साथ और मेमोरी की सहर। इस वक्त हम बात करेंगे कल के मुद्दे पे जो कल साइंस कॉलेज के बाहर हुआ, जहां पे पुलवामा के शहीदों को एक श्रद्धांजलि दी जा रही थी और दूसरी तरफ जब एबीपी के स्टूडेंट्स ने जब एंट्रेंस करने की कोशिश की वहाँ पे साइंस कॉलेज में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपने देखा कल की वीडियो में कि काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की और मार पिटाई हुई। तो आज हम NSUI के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, यानी कि यूटी, अब यूटी बन चुकी है, उनके प्रेसिडेंट हैं जो रखनीक जी, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या क्या वजह रही जो कि स्टूडेंट्स वहाँ पे एंटर कर रहे थे उन स्टूडेंट्स को नहीं आने दिया और जो है धक्का मुक्की और मार पिटाई हुई। तो नमस्कार रखनीक जी। धन्यवाद आपका। तो रखनीक जी, क्या वजह रही कल जब ये स्टूडेंट्स एबीपी के स्टूडेंट्स जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये आपके ही नारे हैं यूथ पावर नेशन पावर, ये तो आखिरकार वो स्टूडेंट्स थे तो आपको जम्मू के जितने स्टूडेंट्स हैं एकजुट रहना चाहिए, तो कल क्या ऐसा वारदात हुई कि जो ऐसा हुआ? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं, कल NSUI की तरफ से भी जम्मू यूनिवर्सिटी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। एक टेंट लगाया गया था जहां कॉमन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने, कॉलेज स्टूडेंट्स ने आके NSUI के बैनर के नीचे शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कल एक ऐसा दिन था जो शायद हिंदुस्तान की तारीख में ब्लैक डे मनाया जाना चाहिए था और NSUI ने कल भी उसको ब्लैक डे ही कंसिडर किया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अपने संगठन की राजनीति करना चाहते थे। जब साइंस कॉलेज में आप लोगों ने पूछा तो वहां पे साइंस कॉलेज के कॉमन स्टूडेंट्स ने कहा कि हम लोग शहीदों के साथ खड़े हैं, लेकिन एबीवीपी के तरंगे के साथ नहीं खड़े, हम हिंदुस्तान के तरंगे के साथ खड़े हैं लेकिन एबीवीपी के तरंगे के साथ खड़े नहीं है। कल शहीदों का दिन होता है, हम लोग शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में कल एबीवीपी कुर्सियों पे बिठा के भाषण करवाती है, तो आप ये मान सकते हैं कि कल इन्होंने शहीदों का सम्मान नहीं किया। इन्होंने शहीदों के नाम पे एबीवीपी ने कल भी राजनीति की, जो बहुत दुख की बात है। आज साइंस कॉलेज के अंदर के हादसे की अगर मैं बात करूं तो साइंस कॉलेज का स्टूडेंट भी शहीदों पर श्रद्धांजलि पेश कर रहा था, वहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। अगर अपनी जी बात की जाए स्टूडेंट्स की, हमारा आने वाला देश का भविष्य है, अगर यही बात ऐसी थी, तरंगे की अगर बात थी, एबीपी के तरंगे की बात थी, तो ये बैठ के भी बात हो सकती थी, खड़े होकर भी बात हो सकती थी, लेकिन यूथ ही आपस में लड़ बैठी और पुलिस को वहाँ पे आना पड़ा, ये थोड़ा शर्मनाक लगता है। क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ कि जो यूथ है, आने वाला भविष्य है हमारे देश का, जम्मू कश्मीर का, तो क्या कहूँगी? हम बिल्कुल आपकी बात मानते हैं और ये फख्र से कहते हैं कि यूथ ही इस देश को बनाता है और यूथ ही इस देश का सबसे बड़ा पिलर है जी। लेकिन आपने जैसा मुझे पूछा तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जहां पे एबीवीपी के लोगों ने उत्पाद ना मचाया हो, जहां एबीवीपी के लोगों ने कॉमन टेंशन पैदा करने की कोशिश ना की हो, जहां एबीवीपी ने स्टूडेंट्स को पीटा ना हो। तो कल भी एबीवीपी चाहती थी कि यहां भी इस तरीके का माहौल क्रिएट हो, लेकिन मैं सलाम करता हूं साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स को जिन्होंने पूरी ताकत और हिम्मत के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की और कहा कि आपके झंडे की साजिश को हम यहां कामयाब नहीं होने देंगे, यहां अगर चलेगा तो देश का झंडा चलेगा, हिंदुस्तान का झंडा चलेगा। शुक्रिया। तो ये खास बातचीत थी रखनीक जी के साथ, ये यूटी के NSUI के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं सलूट करता हूँ जिन्होंने ये कहा कि हमें हिंदुस्तान के झंडे को सलाम करेंगे, ना कि एबीपी के स्टूडेंट्स के, और उन्होंने ये भी कहा कि कहाँ एबीपी के स्टूडेंट्स ने दंगा फसाद करने की कोशिश की है। लाजवाल उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।